ये ले पानी पी ले, खड़ी हो जा, खड़ी ले दे और लेट लेके मत पी। ठीक है थोड़ा इतना कम पीकर सोना ही ना अभी तेरे को, सो जा। इधर हो रहा, जाना है हॉस्पिटल बोल जी, तो चलते हो अभी, बाइक से तो अभी नहीं जा सकते, ऑटो लेकर जाओ, मतलब ऑटो में चले जाएंगे हम लोग। इधर हो रहा है ना, थोड़ी देर सो जा, ठीक हो जाएगा, नहीं तो जाएगी हॉस्पिटल। अंदर क्या है? बेबी। बेबी है अंदर? जीनू इधर देख, हाय बोल दे, हाय कर दे सबको, बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमेजिंग ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज विनोमो, जो एप्पल स्टोर और एप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप में आप अलग अलग असिस्टेंट ट्रेंड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, फॉरेन करेंसी, लाइक यूएस डॉलर या यूरोस। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे पहले एसेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको फोरकास्ट करना होगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रुको मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 700 रुपये लगा टेन पे, देखते क्या बनता है। तो लो भाई, मेरा फोरकास्ट सही हुआ, अब तुम अपना जीता हुआ अमाउंट बैंक या पेटीएम में विथड्रॉ करवा सकते हो 24 घंटे के अंदर। और याद रखना, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है, आप यहाँ मिनिमम 350 रुपये से ट्रेंड कर सकते हो, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 350 का डबल मिलेगा, 700 रुपये। तो किसका इंतजार कर रहे हो, विनोमो ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे, और मेरे लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डेमो अकाउंट में 5000 मिलेगा ट्रेनिंग के लिए। तो जाओ अभी बार डाउनलोड करो विनोमो ऐप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहवाग रिद्धि ब्लॉग, और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज संडे, तो हमने सोचा ब्लॉग बना देते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ब्लॉग बनाने का, पर शूट नहीं कर पा रहे थे, तो आज संडे है तो चलो ब्लॉग बनाते हैं। तो ये अभी सो रहे हैं तो पहले इनको उठाते हैं, फिर बाद में चाय नाश्ता करेंगे। ओए उठो, चाय नाश्ता करना नहीं है, ब्रश कर लो। तो ये अभी उठे, फिर बाद में ब्रश करने जाएंगे, फिर हम चाय नाश्ता करेंगे। और ये जीनू भी है हमारे पास, गुड मॉर्निंग बोल दे सबको, जोर से गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो चलो अभी मॉर्निंग के 7 बज गए, तो पहले ब्रश करने चलते, बाद में चाय नाश्ता भी करना है, तो पहले ब्रश करके आता हूँ, बाद में चाय नाश्ता करके। तो चलो अभी ब्रश कर लिया, तो अभी चाय पीनी है, तो अभी रिद्धि चाय बना रही है, मेरे ही रिद्धि अभी चाय बना रही थी, लेकिन मैं तो चाय नहीं पीता, मैं और रिद्धि चाय नहीं पिएंगे, रिद्धि और मम्मी दोनों चाय पिएंगे, और मैं रिद्धि दोनों दूध ही पिएंगे। तो चलो अभी रिद्धि ने दूध निकाल दिया, तो दूध पी लेते हैं। लिए तो अभी रिद्धि को नहाने जाना है, और रिद्धि के कपड़े इधर हैं, तो अभी रिद्धि के कपड़े निकाल देता हूँ, और मुझे भी क्रिकेट खेलने जाना है, तो रिद्धि जब तक ना कर आएगी तब तक मैं भी क्रिकेट खेल के आ जाऊँगा। आज सभी फ्रेंड की छुट्टी होगी जॉब से, इसीलिए संडे के दिन सभी फ्रेंड्स लोग खेलने आते हैं, तो मैं भी जाऊँगा अभी खेलने के लिए। तो अभी रिद्धि के कपड़े इधर हैं, ये पकड़ो। तो अभी मैं क्रिकेट खेलने गया था, और क्रिकेट खेलने के बाद अभी मैं घर आ गया, और अभी 11 बज गए, 8 बजे गया था, और अभी 11 बज गए, और अभी खाना बाकी है और नहाना भी बाकी है, और अभी रिद्धि रोटियां सेक रही है, तब तक मैं नहा कर आ जाता हूँ। रिद्धि जो रोटियां सेक रही है, तो रिद्धि आप रोटियां जल्दी से सेक लो, तब तक मैं नहा कर आ जाता हूँ, फिर खाना खाते हैं साथ में। तो अभी मैं नहा कर रेडी हो गया, तो अभी खाना बाकी है, तो अभी रिद्धि खाना परोस रही है, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी रिद्धि ने खाना परोस दिया, तो चलो पहले खा लेते हैं, फिर इसे खाना स्टार्ट तो करो। ये रहा ले ले,
तो खाना खाने के बाद रिद्धि पोछा लगा कर सो गई और मेरे को भी जिनू के लिए दूध लेने के लिए जाना है, क्योंकि जिनू कुछ भी खाना नहीं खाता, सिर्फ दूध ही पीता है अभी भी। मतलब अभी 4 साल का हो गया, तब भी अभी कुछ भी खाना तीखा तो बिल्कुल नहीं खाता, दूध ही पीता रहता है। तो अभी जिनू के लिए दूध लेने के लिए नीचे जाना है, तो मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। बाद में रिद्धि के पास आकर कुछ बातें करनी है, ब्लॉग में आपको जो कुछ बताना है वो बताएगी आपको। तो चलो पहले जिनू के लिए दूध लेने के लिए जाना, तो लेकर आता हूँ। जैसे कि आप सभी ने आके देखा होगा कि रिद्धि सो गई थी, तो रिद्धि को हमने उठाया नहीं, तभी रिद्धि उठ गई है, तो हाथ मुंह धोने के लिए जाएगी। और मेरे को भी हाथ मुंह धोना है, देखो पूरा ऑयली स्किन हो गया है, तो पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। और अभी रील्स भी बनाने के लिए छत पे जाना है, तो चलो अभी पहले हाथ मुँह धो लेते हैं। तो अभी मैं तो रेडी हो गया, अभी रिद्धि भी रेडी हो गई है। तो अभी रिद्धि बांग भर रही है, तो अभी रिद्धि भी रेडी हो गई है, और अभी चलते हैं छत पे और रील्स बनाते हैं। तो अभी मैं और रिद्धि दोनों ही रेडी हो गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे रील्स बनाने के लिए। तो चलो रिद्धि आ जाओ छत पे, अभी रील्स बनाएंगे 2-3, बाद में नीचे जाएंगे। और तूने 2 पैर की टेबल ले ली थी। तो अभी हम लोग छत पे आ गए, और अभी आप सभी को पता होगा इधर तो कल ही बारिश आई थी, बारिश का अभी हो गया है सीजन, तो अभी बारिश आएगी तो अभी ज़्यादा धूप नहीं आएगी अभी। तो अभी हम लोग छत पे आ गए, और हमारे साथ जीनू भी आए। जीनू इधर देख, हाय बोल दे, हाय कर दे सबको, तो बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो जीनू ने भी बोल दिया लाइक करो सब्सक्राइब करो, और अभी रील्स बनाने के लिए छत पे आ गए। तो अभी रील्स बनाएंगे 2-3, उससे पहले जो कुछ रिद्धि को भी बोलना होगा वो बोल दे, कि हम लोग हमको कुछ बोलना होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, वो कमेंट के हम रिप्लाई भी दे देंगे। आ जाओ, नहीं बनाने हैं क्यों, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है इधर। तो अभी छत पे रील्स बनाने के लिए आए थे, लेकिन रील्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी रिद्धि को पेट दर्द शुरू हो गया है, तो अभी नीचे जाना पड़ेगा लगता है। ज़्यादा हो रहा है या तो चलो अभी नीचे चलते, अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो अस्पताल जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास। तो अभी हम लोग रील्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा तो नहीं हो रहा। चल अंदर, क्या है, बेबी है अंदर। हाँ तो जिनको भी पता है अंदर बेबी है। और अभी रिद्धि को भी पेट दर्द शुरू हो गया, तो अभी रिद्धि को नीचे ले जा रहा हूँ अभी मैं। हाँ अभी नहीं, दवा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा जिन्हें। तू भी मेरे को गुजराती बोला दे रहा है, मैं गुजराती बोल रहा था, जिन्हें बोल रहा है दवा का। तो हम हॉस्पिटल, अगर रिद्धि को ज़्यादा दर्द हुआ तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। रिद्धि तेरे को ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना, तो चल नीचे जाके बेड पे थोड़ी देर सो जा। तो थोड़ी देर सोना पड़ेगा, और अभी दवाइयाँ तो ले ली थी ना, टाइम पे ले रही ना। हाँ। तो जाओ अभी जाकर सो जाओ, पानी पानी पीकर सो जाना, सो जा थोड़ी देर, मैं पानी लाता तेरे लिए। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, कहाँ पर हो रहा, इधर हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा ना, ज्यादा हो तो डॉक्टर को कॉल करके जाते हॉस्पिटल। सो जा, देखिए रुक, नीचे तकिया रख दे पैर के नीचे, सीधी तो हो जा, इधर टेढ़ी की सो गई, ये ला इधर सो जा भी, शांति से पैर को पैर के नीचे रख दे, रुक में पानी दे, पानी लेकर आता हूँ। तो फिर रिद्धि के लिए पानी ले जाना पड़ेगा, और अभी पानी देने के लिए भी नहीं आया है, तो ये ले पानी पी ले, खड़ी हो जा, खड़ी ऐसे लेते लेते मत की, ये थोड़ा इतना कम,
स्पीकर सोना ही ना अभी तेरे को। सो जा। इधर हो रहा जाना है हॉस्पिटल बोल जी, तो चलते हो अभी बाइक से तो अभी नहीं जा सकते, ऑटो लेकर जाओ, मतलब ऑटो में चले जाएंगे हम लोग। इधर हो रहा है ना, थोड़ी देर सो जा, ठीक हो जाएगा, नहीं तो जाएगी हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग छत पे गए थे रील्स बनाने के लिए, लेकिन अचानक से रिद्धि का पेट दर्द शुरू हो गया तो हमें नीचे आना पड़ा। और अभी नीचे आकर रिद्धि है, देख सकते हो अब रिद्धि लेट गई है, तो अभी थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा रिद्धि को। अगर ज़्यादा दर्द हुआ रिद्धि के पेट पे तो अगर हमें जाना पड़ेगा, अस्पताल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए हम अभी ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय फ्रेंड्स। आप सभी लोग दुआ करना कि रिद्धि का पेट दर्द जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो बाय बाय फ्रेंड्स, रिद्धि बाय तो बोल दो सबको।